हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैंने सोचा कि एक ऐसा मेकअप लुक क्रिएट करूं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो अदर वीडियोस से। और ये जो मेकअप लुक है, ये बेसिकली इयररिंग के जितने भी मेरे इयररिंग्स में कलर है, सिक्स कलर्स है, तो इसके बेस पे ही है। सिक्स कलर जैसे ऑरेंज, येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन एंड दिस गोल्डन, सो छह कलर्स है इसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे बेस एक मेकअप ट्यूटोरियल किया जाए, सो दैट अगर आपको भी लगे कि कुछ इस तरह का ट्राई करना है आपको अपने ऊपर, तो आप भी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प लेके इस वाले मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हैं। और ये मैंने किस तरह से क्रिएट किया है वो जानने के लिए आप वीडियो को पूरा इंजॉय कीजिए। और अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कट क्रीज बनाया है और किस तरह से ये सारे कलर्स को एक के बाद एक लगाया है, तो वो आप वीडियो में पूरा देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो दिस इज माय स्किन विदाउट एनी मेकअप। तो इस टाइम कोई भी कुछ भी नहीं लगाया हुआ मैंने। तो सबसे पहले स्किन को प्रेप करना है, मीन्स प्रिपेयर करना है आगे के मेकअप के लिए। तो जिसके लिए मैंने वैदिक लाइन का सीरम लिया है जो कि एंटी पिगमेंटेशन सीरम है, तो ये थोड़ा बहुत अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद प्राइमर यूज करेंगे। प्राइमर बहुत जरूरी होता है मेकअप के लिए, तो ये लैक्मी का ब्लर परफेक्टिंग प्राइमर है। तो ये थोड़ा टिंटेड है, हल्की सा पिंक कलर आता है इसमें, तो इसको अप्लाई कर लेंगे हम। अब इसके बाद मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ मैं, और इसमें मेरी शेड है 115 आइवरी। क्योंकि मेरी स्किन थोड़ा पिंक अंडरटोन है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा पिंक अंडरटोन वाला यूज करती हूँ फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन ले लिया है मैंने और इसको अप्लाई कर लेंगे। कॉम्पैक्ट है जिसमें मेरी शेड है 130, और इससे थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लूंगी। तो आईब्रोज के लिए मैंने ये NYB की आईब्रो पेंसिल ली है, तो थोड़ा सा आईब्रोज पे काम कर लेते हैं। मैंने जस्ट कॉर्नर्स फिल किए हैं, बहुत ही हल्का हल्का सा, बिकॉज ऑलरेडी आईब्रो बहुत थिक है इसलिए। अब बारी आती है आई मेकअप की, जिस पे ये मेकअप लुक बेस्ड है। और तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। सो ये दो आई शेडो पैलेट है मेरे पास ग्लैम 21 के। फर्स्ट वाला है जो कि मैंने गिव अवे विनर के लिए रखा हुआ है। सो ये वाला जो आई शेडो पैलेट है ये गिव अवे विनर के लिए है, और ये वाला मेरा वाला है, तो अपना वाला मैं यूज कर रही हूँ। ओके, तो ये अनयूज्ड है, ये विनर के लिए है। अब मैं इस ग्लैम 21 आई शेडो पैलेट में से जो कलर्स चूज करूंगी आपको बताते जाऊंगी। ये मियोन का जो पैलेट है, ब्लश एंड कॉन्टोर पैलेट, इसमें से ये जो कॉन्टोर वाली शेड है इसको पिक करके थोड़ा सा ट्रांजिशन शेड बना लेती हूँ। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से, इस तरह के फ्लैट ब्रश की हेल्प से कट क्रीज ड्रॉ करूंगी।
ग्रीन कलर के लिए मैं इस आई शेडो पैलेट में से ये वाला ग्रीन कलर चूज कर रही हूँ. सो ये ज्यादा बेटर लगेगा आई थिंक. तो ये वाला ग्रीन कलर मैंने चूज किया है. तो लेट्स ट्राई. सो अब सेकेंड थर्ड वाले पोर्शन में मैं इसको अप्लाई करूंगी. सेकेंड कलर भी मेरा अप्लाई हो चुका है और अब बारी आती है थर्ड कलर की. सो थर्ड कलर के लिए मैं मतलब इसी सेम ब्रश से ही कर रही हूँ और इसको क्लीन कर लेती हूँ मैं. तो थर्ड जो मेरा कलर है वो है ये डार्क ब्लू. और इस कलर के लिए मैं लेट मी चेक ये वाला कलर अप्लाई कर रही हूँ. सो ये वाला कलर ले लेती हूँ मैं. और ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है तो थोड़ा सा केयरफुली अप्लाई करना है. और सेम कलर को ही मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर रही हूँ इस तरह से. सो दैट एक पूरा ये लाइन क्रिएट हो जाए हल्का सा आगे तक बस. दैट्स इट. सो ये थ्री कलर्स अप्लाई हो चुके हैं और सेकेंड आई पे भी मैं इसको इसी तरह से अप्लाई कर रही हूँ. मैं ये ब्राउन कलर की शेड ले रही हूँ इस पैलेट में से, ये सेकेंड लास्ट वाली हल्की सी बिल्कुल, और ताकि थोड़ा सा यहाँ डेप्थ मिल सके. सो आई शेडो लग चुके हैं तीनों कलर्स बिल्कुल एकदम बराबर में. सो इसके बाद सेम ब्रश से मैं फ्रंट में यहाँ इनर कॉर्नर्स पे मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा लाइक दिस. एंड थोड़ा सा मैं ये ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ बाकी इस साइड में. सो दैट कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाए. सो फॉर नाउ अंडर आईज को हाईलाइट करने के लिए मैं ये NYB का कंसीलर लगा रही हूँ. बाद अब हम थोड़ा सा एक बार फिर से सेट कर लेंगे फेस को. और यहाँ भी मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट ही यूज कर रही हूँ. थ्री कलर्स हो चुके हैं ग्रीन येलो एंड ब्लू. अब बारी आती है ऑरेंज एंड पिंक कलर की. सो ऑरेंज कलर के लिए मैं क्या करूंगी, ये मेरे पास पैलेट है मियोन का ब्लश एंड कंटूर. तो इसमें से जो कोरल कलर की शेड है ये वाली, इसको पिक कर रही हूँ और इसको मैं अपना ब्लश लगाऊंगी. लेकिन उससे पहले मैं कंटूरिंग कर लेती हूँ. कंटूरिंग के लिए मैं ये बुलेट शेप वाला ब्रश ले रही हूँ और सबसे पहले ये वाली शेड से थोड़ा कंटूरिंग कर लेते हैं.
ऑरेंज कलर है, तो ये कोरल शेड मैं पिक कर रही हूँ उसके लिए, और इससे मैं ब्लश अप्लाई कर लूंगी। सो ब्लशिंग के लिए ये वाला शेड ले रही हूँ मैं। अब एक काम रह गया है जो कि है मेरा आईलाइनर, और आईलाइनर लगा लेती हूँ मैं। ये मेबलिन का जेल आईलाइनर है, और इसके साथ ये जो ब्रश मिलता है इसी की हेल्प से मैं आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। मस्कारा के लिए मेबलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूमिनाइज मस्कारा यूज कर रही हूँ। सो हाइलाइटिंग के लिए मैं ये वाली शेड पिक कर रही हूँ, सेकेंड वाली, और इससे मैं हाइलाइट कर लूंगी। के बाद फाइनल जो स्टेप मेरा बच गया है वो है लिपस्टिक, क्योंकि फाइनल जो कलर अभी इसमें बचा है, एक्चुअली इसमें एक और कलर है उसका मैं अभी आपको शो करती हूँ। तो इस पिंक कलर के लिए, ये वाली पिंक कलर की मेबलिन की लिपस्टिक लगा रही हूँ, और ये शेड है फ्लेमिंग फ्यूशिया। फाइनल जो कलर है वो है ये गोल्डन कलर। तो गोल्डन कलर के लिए स्टे क्वेटी का ये गोल्डन वाला आईलाइनर लिया है मैंने, और इसको, ये जो मैंने विंग क्रिएट किया है इसके पास ड्रॉ करूंगी, और इस तरह से। सो ये गोल्डन लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। पूरा कट क्रीज वाला लुक फिनिश हो चुका है, और अब बारी आती है इस वाले मेकअप को सेट करने की। तो मेकअप रेवोल्यूशन की सेटिंग स्प्रे से इसको मैं सेट कर लूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर एंड बाय बाय।